सीमा हैदर भारत में रहकर हर एक हिंदू त्योहार सेलिब्रेट कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने तीज मनाई और अब रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सीमा हैदर ने अपने वकील एपी सिंह को बड़ा भाई माना और उन्हें राखी बांधी। इस दौरान सीमा हैदर ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि उन्हें एपी सिंह जैसा बड़ा भाई मिला। वो खुद मुझसे राखी बंधवाने आए, ये मेरा सौभाग्य है। इसी के साथ वकील एपी सिंह ने भी सीमा हैदर को रक्षा का वादा किया। तो वहीं दूसरी ओर सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने सीमा की हेकड़ी निकाल दी है। सीमा को लेकर गुलाम हैदर की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। सऊदी से गुलाम हैदर का एक नया वीडियो अब सामने आया, जिसमें उसने सीमा की आने वाली फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुलाम का कहना है कि वो कोई अभिनेत्री नहीं है, फिल्म में क्या ही काम कर लेगी वो। गुलाम ने तंज कसते हुए कहा, शक्ल देखी है उसकी, जैसी सीमा है वैसा ही अमित जानी है जो उस पर फिल्म बना रहा है। गुलाम ने इसके साथ ही आगे कहा कि अमित जानी को शर्म आनी चाहिए कि किसी की निजी जिंदगी वो इस तरह बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहा है, वो भी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। जानी फायरबॉक्स के मैनेजिंग एडिटर अमित जानी पर नाराजगी जताते हुए गुलाम हैदर ने आगे कहा कि अगर फिल्म बनानी ही है तो कोई ढंग के टॉपिक पर बनाए। यानी कि उन्होंने न सिर्फ सीमा हैदर पर अपनी भड़ास निकाली बल्कि अमित जानी को भी जमकर घेरा। दरअसल अमित जानी ने गुलाम हैदर को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा था, उसे भारत आने की दावत दी थी, कहा था कि वो सीमा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। इसके साथ गुलाम ने कहा कि वो भारत तो जरूर आएगा, लेकिन ना तो वो अमित जानी से मिलना चाहता है और ना ही उनसे कोई बात करना चाहता है। गुलाम ने कहा कि मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर भारत आऊंगा और उन्हें वापस अपने साथ लेकर जाऊंगा। सीमा को सचिन के साथ रहना है तो रहे। सीमा को लेकर गुलाम ने इसके साथ ही आगे कहा कि वो उसे फांसी की सजा दिलवा कर रहेगा, क्योंकि उसने जो भी किया वो बहुत गलत किया है। ना तो वो अच्छी बीवी बन पाई और ना ही अच्छी माँ। गुलाम हैदर लगातार सीमा पर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है और उसका गुस्सा लगातार फूट रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर अभी जांच एजेंसियों की रडार पर है। अभी उसकी जांच क्लियर नहीं हो पाई है और ना ही ये साफ हो पाया है कि सीमा हैदर वाकई सचिन से प्रेम में पाकिस्तान से भारत आई है या फिर जासूसी के मकसद से। खैर, ये तो जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा।